गाना है कि 2024 में अगर मोदी जीत जाते हैं तो फिर देश में चुनाव नहीं होगा, क्या कहेंगे? खड़गे जी अपने दिल से जानिए प्राय दिल का हाल, एक कहानी कहा गया है, जो आपके मन में रहता है, जो आपकी पार्टी ने किया है, दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी को पानी पी के गाली दे रहे हैं, आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? लोकतंत्र चाहते हैं कि मोदी जी को माई बहन लेकर के तो गाली दे ही रहे हैं? मोदी जी ने जो मोदी जी के कार्यकाल में जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र मैं समझता हूं स्वर्णिम अवसर है, और आने वाले दिन में भारत विश्व गुरु भी बनेगा और भारत के अंदर लोकतंत्र खूब खिलता फलता हुआ रहेगा। इस ढंग के दुष्प्रचार से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं गिरने वाली है, आप अपनी चिंता करें, कांग्रेस ने जो आपातकाल लगाया था उसकी चर्चा करें। एक इमाम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लिया था, उसको फतवा जारी किया जा रहा है। देखिए, इमाम के ऊपर फतवा जारी किया जा रहा है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, ये दुखद है। अगर ये है, ये तो हिंदू धर्म में है, हमारे यहाँ तो कोई आए, मुसलमान भी आए उनका भी स्वागत। ये मुस्लिम धर्म इतने कट्टरपंथी होते जा रहे हैं कि जो ना इनका धर्म माने वो काफिर हो जाए, जो काफिर हो जाए उसको जजिया लगे, कौन टैक्स लगे, और वो भी ना हो तो उसका सर तन से जुदा किया जाए। ऐसे धर्म को लोगों ने नकार देने का काम किया है, इमाम ने अच्छा काम किया है। जो लोग मुस्लिम धर्म को बदनाम करते हैं वही ऐसी बात कह सकते हैं, किसी धर्म में किसी धर्म के सम्मान करने पर उसका तिरस्कार करना, उसके ऊपर फतवा जारी करना, ये धर्म के खिलाफ है। राम सबके पूर्वज थे, भारत के तमाम मुसलमान, कोई कह दे कि उनके वंशज, हमारे सारे लोगों के पूर्वज राम ही तो थे, चाहे हिंदू हों या मुसलमान। इंडोनेशिया में गरुड़ रखता हो और यहाँ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, असल यहाँ नया मियाँ ढेर प्याज खाते हैं, यही।